रांची के नए आर्च बिशप विंसेंट आयंग ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कल राजधानी रांची के रॉयला मैदान में विधिवत तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में रांची के नए आर्च बिशप विंसेंट आयंग ने कई चीजों का उल्लेख किया है। अपने लंबे चौड़े संबोधन में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, आप भी सुनिए। संत जोसेफ के पर्व दिवस पर आर्च बिशप के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रहण करने का एक सुअवसर होता है। संत जोसेफ को प्रायः हम बहुत ही शांत निशब्द व्यक्ति के रूप में पाते हैं। हाल ही में इस पर विचार करते हुए एक विशेष बात मेरे मन में अटक गई जो मैंने कभी पहले गौर नहीं किया था, और ये दृश्य है जब यीशु गलीली प्रांत में अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, धर्म प्रचार कर रहे थे, और इसका जिक्र संत मती के सुसमाचार में है, संत मार्कुस के और संत लूकस के, तीनों सिनॉप्टिक सुसमाचार में हैं। संत मती के 12वां अध्याय 40 वाक्य में, संत मार्कुस के 3रे अध्याय के 32वां पद संख्या में, और संत लूकस के 8वें अध्याय के 19वां वाक्य में हम यह पढ़ पाते हैं कि कुछ लोग यीशु जब घर के अंदर उपदेश दे रहे थे, भीड़ वहाँ जमा थी, कुछ लोगों ने आकर के उसे बताया कि बाहर आपके लिए खड़े हैं आपके भाई, आपकी बहनें और आपकी माता। यीशु ने बताने वाले के तरफ अपनी नज़र डालते हुए कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? और उन्हें सुनने वालों के तरफ नज़र डालते हुए कहा, वे ही लोग मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माँ हैं जो स्वर्गिक पिता मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस पर हम विश्वास करते हैं। सच्चाई यह है कि हम जो यीशु का अनुकरण करते हैं, विश्वास में, प्यार में, हम लोग यीशु के निकट संबंधी हो जाते हैं। हम मानो उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, और अवश्य ही कलीसिया रूपी जो शरीर है उसके हम अंग बन ही जाते हैं। हम अपने जीवन में उन्हें अपनाते हैं और अपने गतिविधियों में, अपने कार्यों में उनकी तरह पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने की हम भी भरसक कोशिश करते हैं, और इस तरह से हम लोग उनके साथ जुड़ करके जीते हैं। कृपया ध्यान दें कि यीशु ने एक संबंध को नहीं जोड़ा जब उसने कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पालन करता है वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। उसने नहीं कहा वही मेरे पिता हैं, उसने नहीं कहा, और यीशु ऐसा नहीं कह सकते थे क्योंकि
केवल ईश्वर एकमात्र उनका पिता रहा है, पिता है, और यीशु तो उसी एकमात्र ईश्वर के बेटे हैं। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा मिशन काल उसी पिता ईश्वर की इच्छा की पूर्ति में ही उन्होंने बिताया, और हर समय पिता ईश्वर की इच्छा को ही जानने के लिए वह भरसक कोशिश करते थे, उसी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। फिर भी हम इतना तो कह सकते हैं कि संत जोसेफ को एक विशेष सुविधा मिली इस माने में कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं पूरे बाइबल में और आज भी जिसे यीशु ने अपना पिता समझा, यीशु ने अपना पिता कह करके संबोधन किया। केवल संत जोसेफ ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको पिता की उपाधि मिली, और किसी को नहीं, यीशु के शब्दों में भी। उन्होंने कहा, जो ईश्वर पिता की इच्छा पूरी करते हैं वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई हैं। लेकिन संत जोसेफ एकमात्र व्यक्ति है जिसे अवतार पाए हुए ईश्वर के बेटे ने इस दुनिया में अपना पिता कह करके संबोधन किया। जब वह छोटा था अवश्य ही अपनी माँ को तो माँ कह कर ही पुकारता था होगा, और जोसेफ को अपने अब्बा, अपने पिता के रूप में अवश्य पुकारता था होगा, और अपने इस सही रूप में मानव स्वभाव में बढ़ते हुए, विकास होते हुए, समझदारी में अपने उसी पालक पिता योसेफ में ही उसने पिता ईश्वर का स्वरूप देखा होगा। इतना होने के बावजूद संत जोसेफ में जो विनम्रता है वह कूट कूट कर भरी है। संत जोसेफ, जैसा कि शुरू ही में मैंने कहा, बहुत ही शांत व्यक्ति है। हम पूरे बाइबल में, सुसमाचार में उसके मुख से एक शब्द शायद ही सुनते हैं। जो भी उसकी बातें हम सुन पाते हैं सपने में स्वर्गदूत के साथ बातचीत करने के शब्द, उसके अलावा ना मरियम के साथ, ना यीशु के साथ, ना ही और किसी के साथ उसकी बातचीत हम पाते हैं। बिल्कुल ही चुपचाप, शांत, गंभीर व्यक्ति रहे संत जोसेफ, और एक तरह से पिता ईश्वर का एक गुण हम लोग संत जोसेफ में पाते हैं, यही विनम्रता का गुण। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र के 12वां अध्याय पद संख्या 9 में कहते हैं कि उनकी शक्ति पूर्णता को पाती है विनम्रता के माध्यम से। उनकी शक्ति विनम्र होकर ही अपनी शक्ति को प्रकट करती है। अगर संत जोसेफ यीशु के लिए पिता रहे तो हमारे लिए भी वह पिता हैं। बल्कि दुनिया भर के सभी पिताओं में सर्वश्रेष्ठ पिता संत जोसेफ रहे हैं। दुनिया भर के पतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पति संत जोसेफ रहे हैं, और जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं,
जो गाइड हैं, आदर्श हैं, उनमें भी संत जोसेफ का स्थान अव्वल दर्जे का है। संत जोसेफ ने यीशु को, बढ़ते हुए यीशु को, शिशु बालक यीशु को ईश्वर पिता का परिचय दिया, उसे ईश्वर के बारे में समझाया, बताया, और आज भी संत जोसेफ हमारे लिए वही काम करते हैं। अतः इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि आज संत जोसेफ को पूरे विश्व भर की कलीसिया का संरक्षक माना जाता है, और हम लोग भी उस प्रकार की कृपा के भूखे प्यासे हैं। हमें भी उसी प्रकार की कृपा की आवश्यकता है। कैसी कृपा? ईश्वर की कृपाओं की जो वर्षा संत जोसेफ पे हुई, उनके कुछ गुणों में परिलक्षित होती है ये कृपाएं। एक तो ये कृपा थी कि यीशु और मरियम के साथ योसेफ का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, और सदा फलप्रद मित्रता थी। और एक ईश्वर की कृपा योसेफ में पाई जाती है, वह है पवित्र आत्मा के प्रति वचनबद्धता, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के प्रति आज्ञाकारी। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा का और एक रूप संत जोसेफ में हम पाते हैं, वह बहुत ही शांत किंतु अंदर से बहुत शक्तिशाली, जिसमें आत्मबल था, आत्मविश्वास था, और विश्वास मजबूत था जिसका। ये भी ईश्वर की कृपा संत जोसेफ को मिली थी। अन्य गुणों में हम पाते हैं, वह दिल में बहुत ही निर्मल थे, स्वच्छ हृदय के थे, और शारीरिक रूप में बिल्कुल पाक साफ थे, और ईश्वर की उपस्थिति अपने ही पवित्र घराने में, यीशु और मरियम की उपस्थिति में, ईश्वर की उपस्थिति को और अपने जीवन में उसने हर समय आदरपूर्वक स्वीकार किया, उपस्थिति के प्रति अपने आप को नत किया, अपनी आज्ञाकारिता दिखाई। ईश्वर का निर्देश को अक्षरशः वह पालन करने के लिए कोशिश करता है, और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में ही अपनी खुशी बटोरता था। ऐसे समय में भी जब निर्णय लेना, चुनाव करना कठिन था, जैसे जब उसने सुना कि उसकी मंगनी, जिसके साथ में उसकी मंगनी हुई थी, वह शादी के पहले, योसेफ से रहने के पहले ही गर्भवती पाई गई थी। यह बहुत ही मुश्किल समय था योसेफ के जीवन में, बहुत ही कठिन था इस परिस्थिति में मरियम को स्वीकार कर पाना, और अपनी समझ के बाहर था। वह मरियम के प्रति इतना आदर पूर्ण था कि वह रत्ती भर भी संदेह नहीं कर पाता था कि मरियम ऐसी गलती कर सकेगी, लेकिन गर्भवती तो है, तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करे, उसकी समझ के परे की बात थी। फिर भी ईश्वर के प्रति वह बहुत ही विश्वसनीय होता है, प्रार्थना के प्रति बहुत विश्वसनीय होता है, और अपने सामान्य जीवन में
एक पति के रूप में और पिता के रूप में, एक परिवार के शीर्ष के रूप में, समाज के एक माने जाने आदरणीय व्यक्ति के रूप में जो कर्तव्य थे, सभी कर्तव्यों के प्रति वह कर्तव्य परायण थे, कर्तव्य निष्ठावान थे। और इसीलिए चाहे वह काम हो या विश्राम हो, हर परिस्थिति में वे ईमानदार रहे। इसीलिए संत जोसेफ हम लोगों के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में पेश आते हैं इस माने में। इतना कहने पर भी हम लोग एक अंतर तो पाते हैं कि संत जोसेफ का जीवन बहुत ही छोटा था। उसने यीशु के पब्लिक मिनिस्ट्री को, यीशु गांव-गांव घूम करके अलग अलग प्रांतों में जा करके ईश प्रचार करते, चमत्कार करते, इन कामों को जोसेफ देख नहीं सका। इसके पहले ही वह स्वर्गवास हो चुका था। फिर भी संत मती पहला अध्याय 19वां पद संख्या में कहते हैं कि जोसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। नियम के अनुसार तो वह धर्मी व्यक्ति था ही। यहूदियों का जो नियम था, समाज का जो नियम था, उनके मापदंड में जोसेफ वास्तव में न्यायपूर्ण व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था। फिर भी संत पौलुस की चिट्ठी का भरोसा अगर हम लें, विशेष करके रोमियों के नाम उनके लिखे पत्र में 5वां अध्याय पद संख्याएं 9 और 10 में संत पौलुस कहते हैं कि हम धार्मिक घोषित होते हैं केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त में, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के मरण के द्वारा हम लोगों को ये धार्मिकता प्राप्त हुई है। लेकिन संत जोसेफ तो अपने बेटे यीशु के इस मरण के बहुत पहले स्वर्ग चले गए थे। उसका कभी बपतिस्मा नहीं हुआ था, उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हुआ था, वह पवित्र यूखरिस्त को कभी जान नहीं पाया, उसमें भाग लेने की बात तो दूर, तो कैसे वह धर्मी कहलाएगा उस माने में। तो ये अंतर है, संत जोसेफ जो धर्मी कहलाता है बिना प्रभु यीशु ख्रीस्त के मरण का सहभागी होते हुए। हम जो इन सभी वरदानों से विभूषित हैं, हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख, मरण और पुनरुत्थान, क्रूस पर उसका बलिदान हम लोगों के लिए एक मायने रखता है। यह हमारे लिए विशेष सुविधा है। हालांकि संत जोसेफ का निकट संबंध था यीशु के साथ एक पालक पिता के तौर पर, माता मरिया जो थी उसकी पत्नी के रूप में, अतः उसके साथ भी घनिष्ठ संबंध था, लेकिन हम लोगों के लिए भी यीशु बहुत निकट हैं अभी, बल्कि यीशु हम में हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे जीवन में हैं, बल्कि हम जो जीते हैं हमारे जीवन के माध्यम से ही यीशु की शिक्षा का पालन करते हुए हम एक तरह से यीशु को प्रकट करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस अपनी चिट्ठी में 2वां अध्याय पद संख्या 20 में कहते हैं ऐसा। संत जोसेफ प्रायः ईश्वर के पास प्रार्थना किया करते थे और शायद अपने
बड़े हो रहे बेटे यीशु को भी उस प्रार्थनामय वातावरण में उसने पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दी। लेकिन हमारी प्रार्थना में तो हम हर समय जोड़ते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, यानी हम पिता के पास आते हैं यीशु के माध्यम से, यीशु जो हमारे लिए महापुरोहित हैं, यीशु जो हमारे लिए जी उठे, यीशु जो हमारे मुक्तिदाता हैं, और पवित्र आत्मा की शक्ति में हम प्रभु के परिवार के सदस्य बनते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत जोसेफ को राजा दाऊद की प्रतिज्ञा को पूरा करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके माध्यम से यीशु राजा दाऊद की संतान में आए ऐसा मालूम हुआ। लेकिन पास्का रहस्य के माध्यम से हम लोग दत्तक पुत्र पुत्री बन गए हैं, हम लोग गोद लिए हुए संतान हैं पास्का रहस्य के माध्यम से। अतः पिता ईश्वर, आज हम लोग जो बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं और अपने एकलौते पुत्र के माध्यम से जो जीते हुए लोग हैं, हम लोगों पर ईश्वर की विशेष नज़र है। और संत जोसेफ पर उसने जो कृपा बरसाई, आज पिता ईश्वर हम लोगों के लिए अपने तरीके से यीशु के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से अपनी कृपा बरसाते हैं। अतः हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के संदर्भ में संत जोसेफ, जिसने इन कृपाओं का माध्यम अपने समय में नहीं पाया, फिर भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, उनके प्रति विश्वासी बने रहे, उनकी इच्छा का पूरा पूरा पालन कर सके, पूरी कर सके, हम जो कृपाओं से भरे पूरे लोग हैं, संस्कारों का हम लोग आस्वादन करते हैं, हम लोगों को भी उचित है कि हम संत जोसेफ से सीखें ईश्वर के पास प्रार्थनामय ढंग से जीने के लिए, उनकी इच्छा को जानने के लिए, जागते में हो या नींद में हो, संत जोसेफ की तरह हम लोग प्रभु की प्रेरणा के प्रति सजग रहें और उस प्रेरणा के अनुकूल अपने जीवन को बनाएं और ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनने की हम कोशिश करें। आइए आज हम उसी महान संत जोसेफ की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि हम सबों का वह आज एक तरह से पालक पिता होते हुए हम लोगों के लिए पिता के पास, ईश्वर पिता के पास वह प्रार्थना कर दे कि हम अपने अपने जीवन में, अपने अपने हैसियत से, अलग अलग ओहदे में, अलग अलग जीवन शैली में हम लोग पिता ईश्वर की इच्छा को पहचानते हुए उसके अनुकूल अपने जीवन को बना सकें। पिता ईश्वर, हम सभी को इस मनोकामना पूरी करने के लायक आशीर्वाद दें।